इनवर्स क्या होता है, या फिर विद का मामू क्या होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास चार नंबर का आ सकता है, चार का आएगा, नहीं तो या तो हमारे पास पूछेगा तो समीकरण का हल पूछेगा, ठीक, दो में से किसी टाइप में आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे 2×2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, A इज इक्वल टू लिखा है 1, 2, 3, 1, हमसे कहता है इसका इनवर्स फाइंड, ठीक, A इज इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, 1, इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, मॉड फाइंड करोगे, मॉड इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका x से मल्टीप्लाई 1 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू क्या कितना मिला -5। आगे अब a के हम लोग निकालेंगे a के सेवन फंक्शंस, ठीक, अब फाइंड करेंगे a के सेवन फंक्शंस, कैसे करेंगे, a11 a12 a21 a2 कितना आया, a11 a12 a21 a2। तो पहला मेथड क्या है इसका, उल्टा लिखो 1, 2, 3 और 1, 1, 2, 3 और 1, कितना आ गया, क्या लगाया, साइन होंगे हमेशा रखना प्लस माइनस माइनस प्लस, किस तरीके से हो गए प्लस माइनस माइनस और प्लस, कितना है, पहले क्या किया a11 a12 a21 a2, ठीक, यहां से ऑर्डर उल्टा कर दो 1, 2, 3 और 1, 1, 2, 3 और 1, ठीक, साइन क्या होंगे प्लस माइनस माइनस और प्लस। अब हम लोग अगर साइन भूल जाते तो क्या करेंगे, जैसे वहां नहीं याद आता है कि प्लस माइनस माइनस प्लस, तो याद रखो जो अगर जोड़ने पे सम आए 1, 1 कितना हो रहा है 2, तो सम में क्या रखोगे प्लस रखोगे, 1, 2 कितना आ रहा है 3 माइनस है, सॉरी विषम है, विषम में क्या आएगा माइनस आएगा, अगर जोड़ने पे सम आता है प्लस आएगा और जोड़ने पे विषम आता है तो माइनस, इतना आया नहीं है, ठीक। तो इससे मैट्रिक्स बनी क्या मिली 1 -2 -3 और 1, इतना आ गया, ठीक। अब इसका क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्या कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का कर दोगे ट्रांसपोज कर दोगे, तो कितना आया 1 -2 -3 और 1, इतना आ गया नहीं है भाई, सभी रो को हम लोगों ने किसमें चेंज कर दिया कॉलम में, यानी 1 -2 -3 और 1, इतना आया, ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हम लोगों ने क्या आता है ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/mod a (adjoint of A), क्या होगा 1/mod a (adjoint of A), तो 1/mod a की वैल्यू भैया कितनी है माइनस का 5 / -5 एडजॉइंट कितना है 1 -2 -3 और 1, ये आ गया ए इनवर्स, आया कि नहीं आया, ये भी हमारे पास आंसर सही है। अगर और सॉल्व करना है इसको तो लिख सकते हो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 का अंदर क्या करा दो मल्टीप्लाई -1/5, ये हो जाएगा 3/5, 2/5 और माइनस का 1/5, आया नहीं आया। सबसे पहले लोगों ने क्या किया, मॉड ए निकाला, मॉड ए कैसे निकालेंगे 1 - 6 इज इक्वल टू -5, अब ए के क्या करोगे सेवन खंड करोगे a11 a12 a21 a22, ये कैसे निकालते हैं 1 2 3 1, सबको क्या कर दो उल्टा लिखो, साइन होंगे प्लस माइनस माइनस और प्लस, याद आ गया। इसके बाद क्या करोगे, इससे जो मैट्रिक्स बनी उसको बना लिया, फिर इसका ट्रांसपोज निकालोगे, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करो, उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट आ गया, आया नहीं आया एडजॉइंट आया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a (adjoint A), 1/mod a (adjoint A) हो गया, याद आ गया, ठीक, ये भी आंसर सही है, नहीं तो लोग क्या करेंगे 1/5 का आंसर